उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा द्वारा झारखंड विमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 को लेकर राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गुमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम का जायजा लिया गया। इस चैंपियनशिप को लेकर संबंधित सभी अधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले झारखंड विमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खिलाड़ियों का आगमन भी हो चुका है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्टेडियम का जायजा लिया है। कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर पर कराई जा रही थी और एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर स्टेडियम तक में बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्सेज और मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और पिछले 7 दिनों से लगातार विभिन्न देशों की टीमें यहाँ अपने प्रैक्टिस मैचेस के लिए आते रहे हैं और उनके सुरक्षा के सभी इंतजाम हर एक पॉइंट्स पर कई दिनों से करा के रखे गए हैं। अब कल से यहाँ पर मैचेस की शुरुआत होगी। आप अवगत हैं कि 10 दिनों तक यह टूर्नामेंट चलेगा जिसमें 7 मैच डेज हैं। प्रत्येक मैच डेज के दिन 3-3 मैचेस होने हैं और 5 तारीख को सेमीफाइनल है, उसके बाद फिर फाइनल मैच होना है। तो इस आलोक में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हैं चाहे वो स्टेडियम के बाहर हैं, बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग कराकर हर एक पॉइंट पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और उन सभी को पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी कराई गई है कि किनको किस गेट पे क्या एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। यहाँ 4 गेट हैं, गेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। किन गेटों से वीवीआईपी का मूवमेंट है, किन गेटों से हॉकी टीम का मूवमेंट है, किन गेटों से नॉर्मल स्पेक्टेटर्स का मूवमेंट है, कहाँ पर पार्किंग, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हर पॉइंट पे उपस्थित रहने वाले अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। उनको सारे टिकट्स के, चाहे वाहन पास हो, उनके सैंपल्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, डेट वाइज उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वह निश्चित तौर पर जो योग्यताधारी वाले पास धारक रहें, स्पेक्टेटर हैं, उनको ही आने की परमिशन दें। इस स्टेडियम की कैपेसिटी लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड अगर लोग रहते हैं तो उनको भी मैच का लाइव प्रसारण देखने के लिए बाहर मोराबादी ग्राउंड में 11 LEDs जो लगाए गए वहाँ पे सोनी लाइव TV के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो वह मैच का बाहर भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चारों तरफ प्रॉपर पोस्टर्स और बैनर्स लगा कर रखे गए हैं, पूरे शहर में जगह जगह पर साइनेजेस लगा कर रखे गए हैं। सभी स्पेक्टेटर्स जो आने वाले हैं उन सभी को डूज एंड डोंट्स के बारे में लगातार अखबारों के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और सभी तैयारियां तरीके से सुनिश्चित हो, इसके लिए वरीय अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है जो लगातार पॉइंट बाय पॉइंट ऑफिसर्स को जाकर रेगुलरली गाइड करते जा रहे हैं और हम आशान्वित हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही सफल हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित होगा और आगे भविष्य में भी हम लोगों को इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की मेजबानी करने का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।